आज हम बहुत ही यूनिक चीज बनाने जा रहे हैं और वो है अदरक का हलवा। मुझे पता है आपने ये नाम सुनते ही आप चौंक गए होंगे कि अदरक का भी हलवा बनता है क्या? ये बनता ही नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अधिक लाभकारी होता है। और गाजर का तो हलवा आपने खाया ही होगा, लेकिन गाजर से भी मुझे ज्यादा अदरक का हलवा लगा। और ये मैंने खाया, हमारे पुष्पा आंटी बनाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं। जब उन्होंने मुझे खिलाया तो फिर बाद में आज मैं आंटी से बनवा रही हूँ, तो सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए, आप लोग भी बना के खाएं कि अदरक का हलवा भी बनता है और वो भी इतना स्वादिष्ट बनता है। तो इसके लिए देखिए हमने पहले क्या किया है, जैसे हमने आधा किलो अदरक ली है, और आप जैसे ज्यादा बनाना चाहें तो आप 1 किलो का भी बना सकते हैं। तो आधा किलो अदरक ली और उन्हें अच्छी तरीके से धो के साफ किया। फिर उसके बाद में हमने जैसे इसे पूरा अच्छे से ऊपर से छील लिया साफ करके, और फिर इस तरीके से हमने कद्दूकस में इन अदरक को कस लेना है। अदरक का हलवा बनाने में हमने आधा किलो अदरक ली, उसे अच्छी तरीके से धो के साफ करके ऊपर से छील के कद्दूकस किया। कद्दूकस करने के पश्चात 300 ग्राम अदरक, 2.5 किलो हमने दूध लिया है। हम लेंगे 200 ग्राम काजू, 200 ग्राम बादाम, इन्हें हमें मिक्सी में दरदरे पीस लेना है। साथ ही हमें चाहिए होगा 300 ग्राम नारियल का बूरा। अदरक का हलवा बन रहा है तो पहले दूध को अच्छे से गर्म कर लिया, जब इसमें उबाल आ जाए दूध में तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी अदरक इसमें हम डाल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी इसलिए डाल रहे हैं, एक साथ डालने से ना दूध फट जाता है। और जैसे जैसे अदरक देखो इसमें डाल रहे हैं, वैसे वैसे आंटी देख सकते हैं एक हाथ से हिला रहे हैं ताकि दूध फटे नहीं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में अदरक दूध में मिलाते रहना है, और साथ में एक हाथ से दूध को चलाते हुए भी रहना है ताकि दूध फटे नहीं। और अब दूध को हिलाते रहना है ताकि अदरक अच्छे से दूध में पक जाए। अदरक का हलवा स्वादिष्ट होने के साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद रहता है। सर्दियों में अदरक का हलवा एक दो बार तो खाना ही खाना चाहिए। तो ये देखो अच्छे से दूध में अदरक पक रही है। चलो थोड़ी आंटी से पूछ लिया जाए कि आपने इतना ये स्वादिष्ट हलवा बनाना आपने कहाँ से सीखा, किसने आपको सिखाया? तो आंटी बताएं आपको। ये बेटा मेरी सास से सीखा मैंने। अच्छा अच्छा ये बहुत ही अच्छा बनता है, और सर्दियों में जिनके गठिया का दर्द होता है, जॉइंटों में दर्द होता है, सर्दी जुकाम रहती है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। उनके लिए ये हलवा रामबाण है। रामबाण है तो जैसे घुटनों का दर्द ये सब ठीक हो जाता है। हम तो सर्दी सर्दी लड्डू वड्डू कुछ नहीं खाते हैं। अच्छा अदरक का हलवा ही खाते हैं, और इसको खाने के बाद ज्यादा जाती है शरीर में, मतलब ऐसे लगता है कि फिर से जान आ गई है, एक्टिव फील होता है। सर्दियों में क्या होता है कि जैसे ठंड बहुत पड़ती है तो अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। लोग कहते हैं गर्मी करता है, लेकिन कोई गर्मी नहीं करता है, क्योंकि इसमें मेवे डालो अच्छी तरह, पेड़ दूध में बनाओ, कोई गर्मी नहीं करता है, बहुत फायदा करता है दूध। जैसे सर्दियों में ठंड ज्यादा पड़ती है तो अधिक एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस एनर्जी के लिए जैसे कोई लड्डू खाते हैं, कोई जैसे हलवा बना के खाता है, तो वैसे ही जैसे अगर अदरक का हलवा अगर हम खा रहे हैं तो दूसरी और चीजें खाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है। और इसमें जैसे क्या क्या फ्रिज रखना चाहिए इसमें बेटा? जैसे ताजा ताजा इसको खाओ गर्म करके थोड़ा, और फिर दही छाछ मत खाओ। दही छाछ नहीं खाना। हाँ जैसे क्या है खट्टी चीजें थोड़ी अवॉइड करनी होती है। अगर आपने अदरक का हलवा जैसे सुबह खाया है गरम करके तो उसके दूध पी लो, उसके ऊपर से अगर आपको दही छाछ खाना है तो वो भी खट्टे मत लो, फ्रेश ही लो, वो भी 3-4 घंटे के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है जब तक हमें अदरक का हलवा खाना है। शाम को अगर आप खाओ तो 1 ग्लास ऊपर दूध पी सकते हो, बेहद ही फायदेमंद होता है। गर्मी बिल्कुल नहीं करता है, और ये गर्मी नहीं करता है, जैसे कई बार होता है ना अदरक गर्मी करती है। सर्दियों में तो वैसे भी जैसे ऐसी चीजें होती है वो गर्मी नहीं करती है। औरतों को तो बहुत फायदा करती है, जेंट्स लोगों को बिल्कुल ये। और एक जैसे
बच्चों के लिए तो फायदेमंद है ही, बुजुर्गों के लिए तो ये रामबाण औषधि का काम करता है, क्योंकि एक 50 साल की उम्र ढलने के बाद जोड़ों में दर्द रहने लगता है और गठिया की शिकायत होती है, तो उन सब के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद है। पुष्पा आंटी के घर पे तो सर्दियों सर्दियों अदरक का हलवा ही बनता है। बना के रख लो 15-20 दिन तो खराब नहीं होते, फ्रिज में रख दो तो खराब नहीं होता, ढक के रख दो, सुबह निकाल लो, गर्म कर लो थोड़ा बहुत और खाओ उसका। बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और देखिए आपसे बात करते करते ये हलवा भी बन जाना है। सालों से आप बना रहे हो ये? बेटा मेरे को तो 25-30 साल हो गए बनाते, मेरी सास ने वो को सबको सिखाया ये। अच्छा, अदरक का हलवा वो बनाते थे, वो तो और भी टेस्टी बनाते थे, और सब वो को भी सिखाए, बोले अदरक का हलवा ही खाया करो सबसे गुण का। अदरक का हलवा बनाने में प्योर दूध का ही इस्तेमाल करें, देसी गाय का दूध या फिर भैंस का प्योर दूध ही इस्तेमाल करें। कुछ नहीं डालना इसमें, बस ये दूध में ही बन जाता है। दूध और अदरक डालने के बाद इसको ढीला नहीं छोड़ना, हिलाते रहो हिलाते रहो, उबाल खाए जब तक मच्छर नहीं लगे, दूध जब तक उबलने नहीं लग जाए तब तक ऐसे हिलाते रहना, नहीं तो फट जाएगा, नहीं तो दूध फट जाएगा। दूध में अदरक को हिलाते हिलाते ये दूध आधा हो गया है, अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये नारियल का बुरादा डालेंगे, जैसे मैंने बताया 300 ग्राम अदरक, 2.5 किलो दूध, और उसमें हम ये बुरादा डाल देते हैं 300 ग्राम। 300 ग्राम नारियल का बुरादा इसमें डाल देंगे। तो हमने देखा 300 ग्राम इसमें हमने नारियल का बुरादा डाल दिया है, और देख सकते हैं कितना अच्छा फ्लेवर इसमें आ गया है। और साथ ही जो ड्राई फ्रूट हमने लिए, 200 ग्राम बादाम, 200 ग्राम काजू, ये भी अभी डालो। ये भी देख सकते हैं इसमें हमने साथ में ही मिक्सी से थोड़े इनको दरदरे पीस लिए और इसमें हमने मिला दिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही शानदार बनने वाला है। अब हमें इसको कितनी देर तक ऐसे करना ही चलेंगे, चीनी डलेंगे। अच्छा, और अब इसको हिलाते रहेंगे, फिर उसके बाद में चीनी डलेगी। और मैं आपको बता दूं कि चीनी स्वादानुसार हम डालते हैं, जैसे 1/2 किलो अदरक का हलवा बनाते हैं तो उसमें हमें 1.5 किलो चीनी डालते हैं, और अगर जैसे आप थोड़ा खाने के अनुसार डालो, स्वादानुसार डालो, वैसे 1.5 किलो इसमें चीनी पड़ती है। 1.5 किलो डालते हैं, कई 1/4 किलो या 1 किलो भी डाल सकते हैं। हाँ 1/4 किलो तो स्वाद के अनुसार है, जो ज्यादा मीठा नहीं खाते वो कम डाल। अभी इस तरीके से देखिए हमने इसमें चीनी डाल दी है, बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है, क्योंकि इसमें जैसे अदरक की तो वैसे ही बहुत अच्छी खुशबू आती है, साथ ही ड्राई फ्रूट्स हैं और नारियल का बुरादा जो डाला, बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। अरे बहुत ही शानदार ये हलवा बनता है और बन ही रहा है, देख सकते हैं। चीनी डालने के पश्चात 1/2 घंटे तक धीमी धीमी आंच पर हलवे को धीरे धीरे हिलाते हुए पकाते रहना चाहिए, ताकि कढ़ाई के हलवा चिपके नहीं और चीनी का पानी भी अच्छी तरीके से सूख जाए। हलवे को पकाते हुए लगभग हमें 1/2 घंटा हो गया। अब इसका कलर देखो चेंज हो गया, अरे खुद भी हलवा भी गाढ़ा हो गया। और अब इसमें डालेंगे, अब डालेंगे इसमें गाय का या भैंस का कुछ भी घी डाल दो। 1/2 किलो अदरक के हलवे में घी कितना डालता है? 1/2 किलो। 1/2 किलो लास्ट में डालना है, बस लास्ट में ना। बस ये घी डल जाएगा, फिर इसको अपन अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
हलवा अच्छे से पकने के पश्चात सबसे अंत में गाय या भैंस का शुद्ध देसी घी डालते हैं और कढ़ाई को चलाते रहें। और आप जो ये घी देख रहे हैं ये पूरी तरीके से हलवे में मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि घी कहाँ गया। कढ़ाई को चलाते चलाते आप देख पा रहे हैं घी कहाँ गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। और देखते ही देखते स्वादिष्ट हलवा तैयार हो गया है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से इसकी विधि बता देती हूँ। हमने आधा किलो अदरक ली थी जिसे अच्छे से साफ़ करके धो के कद्दूकस किया तो 300 ग्राम अदरक उसमें से साफ निकली। और 2.5 किलो दूध में हमने उसे पकाया, साथ ही इसमें हमने 200 ग्राम काजू, 200 ग्राम बादाम, 300 ग्राम नारियल का बुरादा और 1.5 किलो के लगभग हमने इसमें चीनी इस्तेमाल करी। और सबसे अंत में आधा किलो गाय का शुद्ध घी हमने इसमें इस्तेमाल किया और इस विधि से बन गया ये लाजवाब हलवा। अदरक के हलवे को बनाने में मेहनत बहुत लगती है क्योंकि इसको हिलाते रहना पड़ता है, लेकिन बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और अंत में आप देख सकते हैं कि ये हलवा लाते भी बहुत मारता है, इसमें किस तरीके से बुलबुले से उठ रहे हैं। तो भाई बड़ा मेहनत का काम है, लेकिन जब आप खाओगे तो आपको उतना ही लाजवाब लगेगा। बहुत शानदार बना है। सच बताऊं तो गाजर के हलवे को भी फेल करता है अदरक का हलवा। सबको फेल करता है, इसके नीचे सब मिठाई। इतनी लाजवाब डिश मैंने पहले कभी भी नहीं खाई है। बहुत ही अच्छा बना है। एक बार आप लोग भी पुष्पा आंटी से जरूर ट्राई करना। देखिए पुष्पा आंटी से मैंने और आप सबने एक साथ ही सीखा है बनाना, तो इसको आगे से आगे पहुंचाना है। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और पुष्पा आंटी के लिए दो अच्छे शब्द जरूर लिखना, क्योंकि इतनी मेहनत से इतना शानदार ये हलवा बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट बना है।